हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 5 मिनट में पैंट प्लाजो कैसे काटा जाता है ये सिखाएंगे। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आप सिलाई से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो को मिस ना कर सकें। पैंट प्लाजो काटने के लिए हम कपड़े को चौड़ाई से सबसे पहले डबल करेंगे। चौड़ाई से डबल करने के बाद हम लंबाई लेंगे खुले भाग की तरफ से। अगर हमारी लंबाई है 38, तो 38 इंच लंबाई, उसमें 4 इंच प्लस। इसके बाद हम हिप्स का चौथाई भाग लेंगे। अगर हमारे हिप्स हैं 36, तो 9 चौक 36, उसमें 4 या 5 इंच प्लस। जहां हमारा प्लस का निशान आया है वहां पर हम आसन लगाएंगे। आसन अगर हमारा तैयार आसन 14 इंच है, तो हम 16 इंच 2 इंच प्लस करके लेंगे नेफे का। इसके बाद हम जहां हमारे हमें मोरी रखनी है वहां हम 1.5 इंच का ढाल लगाएंगे। एक निशान लगाकर उसको हिप्स के सामने तक ढाल देंगे। इसके बाद हम मोरी लेंगे। अगर हमें तैयार मोरी 6 रखनी है, तो 1 प्लस कर लेंगे, 7। इसके बाद हम घुटना नापेंगे। अगर हमारा घुटना आता है 20 पर, तो 2 प्लस कर लेंगे, यानी 22। घुटना ऊपर की तरफ से नापते हैं, नेफे की तरफ से। अगर हमारे यहाँ घुटने की गोलाई, अगर हमारे घुटने की गोलाई 16 है, तो 16 का आधा 8, इसमें 2 इंच कम से कम प्लस। उस निशान को, घुटने के निशान को आसन के निशान से मिला देंगे। निशान को मोहरी के निशान से मिला देंगे। ये हमारा पैंट प्लाजो का ड्राफ्ट लग चुका है। ये ध्यान रखें कि ये हमारे सिर्फ 2 भाग हैं, चाहे हम इन्हें सामने के भाग मान लें या पीछे के भाग मान लें। जो निशान हमने ढाल का लगाया था, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब जो हमारा कपड़ा है, उस कपड़े को हम जैसा रखा हुआ है ऐसे ही रखा रहने देंगे। और हम अपने जो हमारे 2 पीस हैं कटे हुए, उन्हें घुमा के रखेंगे इस तरह से। और सेम जैसे हमारी आगे की कटिंग हुई है पीस की, ऐसे ही इसके पीछे वाले पीस भी काट लेंगे। ये हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद अगर हमें ऊपर पेट की तरफ थोड़ा सा कम रखना है, तो हम 1 इंच का ढाल दे देते हैं। और अगर हमें म्यानी लगानी है, तो हम यहाँ म्यानी लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा सिल जाएगा। पहले आसन जोड़ दिए जाएंगे और फिर साइडों की सिलाई लगा दी जाएगी। ये हमारा पैंट प्लाजो तैयार है।